उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं विंग ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 12 लाख रुपए की चरस बरामद की गई है। सीओ एसटीएफ सुमित पांडे ने बताया कि एएनटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि चंपावत जनपद के देवीधुरा में एक तस्कर चरस की तस्करी करने आ रहा है, जिस पर टीम ने थाना देवीधुरा के डिग्री कॉलेज तिराहा रोड देवीधुरा के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी युवक के पास से 2 किलो 479 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चरस अपने ससुराल में ही भांग की खेती कर पौधे से निकाल कर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में बेचने जा रहा था। आरोपी पूर्व में भी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में चरस की सप्लाई कर चुका है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड एसटीएफ की एएनटीएफ विंग है, इसको एक बहुत बड़ी सफलता कल मिली थी, जिसमें हमने हमारी टीम ने राजेंद्र सिंह बोरा नाम के एक अभियुक्त को देवीधुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके पास से लगभग 2 केजी और 479 ग्राम जो चरस है वो बरामद हुई है। यह जो अभियुक्त है, पकड़ा गया अभियुक्त पूर्व में ओकलखांडा जो क्षेत्र है वहाँ का पंचायत सदस्य भी रह चुका है, और जितना बरामद के जो माल हमने किया है ये हमारी टीम ने, ये लगभग अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी 12 लाख